सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज के सॉन्ग भुला दूंगा का फर्स्ट लुक सामने आ गया है और इस पोस्टर को देखकर फैंस को सिडनाज की वही केमिस्ट्री एक बार फिर याद आ गई है। सिडनाज यानी कि सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल की जोड़ी बिग बॉस की हिस्ट्री की एक लौती ऐसी जोड़ी है जिनके लिए फैंस शो खत्म होने के बाद भी दीवाने हैं। बिग बॉस के इस सीजन में कई जोड़ियां बनी लेकिन जो पॉपुलैरिटी सिडनाज को मिली वो किसी और को नहीं मिल पाई और ये केमिस्ट्री एक बार फिर ऑडियंस को देखने को मिलने वाली है वीडियो सॉन्ग भुला दूंगा में। इस सॉन्ग को दर्शन रावल ने गाया है जिसके बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया था। पिछले दिनों सिद्धार्थ शहनाज इस सॉन्ग के लिए पूरी रात शूट करते नजर आए थे। सॉन्ग में सिडनाज की जबरदस्त केमिस्ट्री होने वाली है इसका अंदाजा पोस्टर में ही लग गया है। सिद्धार्थ ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, क्या आप तैयार हैं? दर्शन रावल की आवाज में सॉन्ग भुला दूंगा में सिडनाज की अनडिनाइबल केमिस्ट्री के विटनेस बनने के लिए। सॉन्ग कब रिलीज होगा इसका खुलासा तो अभी नहीं हुआ है लेकिन पोस्टर से साफ जाहिर हो चुका है कि ये एक सैड रोमांटिक सॉन्ग होने वाला है जिसमें इनकम्प्लीट लव स्टोरी या फिर बहुत ही ज्यादा इमोशनल लव स्टोरी को दिखाया जाएगा। वैसे हो तो ये भी सकता है कि म्यूजिक वीडियो के बहाने ही सही लेकिन ये दोनों अपने दिल में छिपी फीलिंग्स को अपनी केमिस्ट्री में दिखा दे क्योंकि जिस तरह के क्लिप और फोटोज सामने आ रहे हैं उससे साफ है कि फैंस सॉन्ग के अंत में बहुत रोने वाले हैं। खैर सिडनाज का फीवर ही ऐसा है कि किसी को भी इमोशनल कर देता है। बता दे सिडनाज के म्यूजिक वीडियो से पहले पारस माहिरा का सॉन्ग बारिश लॉन्च हो चुका है। इस सॉन्ग को यूट्यूब पर काफी पसंद किया गया है। वहीं जल्द ही आसिम रियाज और हिमांशी खुराना का वीडियो सॉन्ग भी रिलीज हो रहा है। ऐसे में देखना ये होगा कि किस सॉन्ग को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। हालांकि सिडनाज की फैन फॉलोइंग और दर्शन रावल की मेलोडियस वॉइस के आगे कोई तोड़ नहीं है, फिर भी देखते हैं कौन सा सॉन्ग हिट होता है। वहीं बात करें सिद्धार्थ शहनाज की तो सिद्धार्थ अपने रिसेंट इंटरव्यू में साफ किया कि वो शहनाज को बहुत अच्छा दोस्त मानते हैं। हालांकि शहनाज हर जगह यही कहती नजर आ रही हैं कि सिद्धार्थ के लिए उनका एक तरफा प्यार है जो उम्र भर रहेगा। खैर सिद्धार्थ की ये लव स्टोरी अधूरी रहेगी या इसे मंजिल मिलेगी ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। और अगर आपने हमारे चैनल क्रिस्क्रॉस इंडिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें।